सरकारी पेंशन मिलने के बावजूद भी खाने एवं रहने के लिए मोहताज 80 वर्षीय वृद्धा गुरुवार को अपने ही पुत्र वधु के खिलाफ शिकायत लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। असल में ये पीड़ित वृद्धा मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद की रहने वाली संतो है। आपको बता दें कि पीड़िता संतो के पति किशन वेटरनरी कॉलेज मथुरा में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात थे। जब उनकी मौत हुई तो संतो को पेंशन मिलने लगी एवं उसके पति की जगह उसके बड़े बेटे को नौकरी मिल गई, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। इसके बाद पीड़िता वृद्धा के तीनों बेटे एक एक कर मर गए और बड़े बेटे के एवज में नौकरी उसकी पत्नी को मिल गई। अब पीड़ित के घर में उसकी बड़ी पुत्र वधू के पास नौकरी है और पीड़िता को करीब 10,000 रुपये पेंशन भी मिलती है। उसको तुम अपने पास नहीं रखती हो? रखूं कैसे, मुझे मारती है पीटती है, एक लंगड़ी नाथ नहीं है जा लाली की दाई उसको दे दूँ तस्व आ जावे। फिर ये गोवर्धन ब्याई है गामन में गमर रोपन ते भाई दे दूँ ले जले एक साड़ी ले जा फेंखाए पान पान से गे नाती ले लेते हैं एक तो ऐसा ही मुझे खा के। तो जब तुम्हारी पेंशन तुम्हारे पास होती है तो बहुत तुम्हें मारपीट करती है, मारपीट करती है। अब पीड़ित की शिकायत है कि उसकी पत्र वधू उससे सारी पेंशन छीन लेती है और उसके साथ मारपीट करती है एवं उसे खाने के लिए भी नहीं देती। ऐसे में सरकारी पेंशन मिलने के बावजूद भी वृद्धा खाने के लिए मोहताज है और ऐसी शिकायत को लेकर गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आई है। मेरा नाम संतो। कहाँ पे आई हो? नौरंगाबाद से। कहाँ मामलो, कैसे परेशान हो? जब मेरा मकान, मेरी नौकरी और मुझको मारती है, और जब तुझको 1,00,000 मिल रहे हैं मेरी नौकरी बारी, मेरी मैंने दे दी नहीं कि बच्चा पल जा, अब मुझको मारती है पूरी पेंशन दे उसमें ना रह लूँ, मेरा ही मकान है। अच्छा, आपके बेटे बेटे नहीं? बेटा नहीं है, तीनों मर गए, जान जान मरी। अच्छा, बूढ़ा टेढ़ा कोई नहीं। अच्छा, आपके पति भी नहीं है? पति मर गए घोड़ा लेने के कुआ में नौकरे पक्के न में। हाँ, बैठली कॉलेज में, लड़की न के हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, उनको सिखाते। तो अब ये आपकी जो बहू है वो आपको रोटी पानी नहीं देती? नहीं देती है, मारती है हमको। अच्छा, हमारा बेटा हो तो है जाती ठीक, हमारे लत्ता कपड़ा हम टॉन्स में थे जे टॉन्स मांग मांग के खामे पे, और हमारा अब भतीजी के ब्याह में 5,00,000 लगा के आइए, हमको नहीं देती है एक रोटी।